सूबे में सीएम योगी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल को पहला साल पूरा हो गया है। ऐसे में सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ में प्रेस वार्ता करी है, जिसमें सीएम योगी, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। सीएम योगी ने पत्रकारों के सामने अपने कार्यकाल की रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, बीते 6 वर्षों में यूपी ने देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। हमारी सरकार को आज अपने दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन हम सबका संबल है, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने देश और दुनिया में अपनी एक अलग और नई पहचान बनाई है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे में विपक्ष भी कहां कुछ कहने से पीछे हट जाए, ऐसा हो सकता है क्या भला? आपको बता दें, सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने योगी सरकार के एक साल पूरा होने पर भाजपा सरकार पर टिप्पणी कर दी थी कि भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया है, किसानों को केवल झूठे वादे और कोरे आश्वासन दिए गए हैं, किसानों को गेहूं धान में लुटवाया गया है। बीजेपी सरकार ने कोई काम तो किया नहीं है, 5 सालों में कोई काम नहीं किया है, केवल झूठे वादे, झूठे आश्वासन किसानों को दिए हैं। अब देखिए, किसानों के ये समय, पहले तो लुटवाया है इन्होंने गेहूं में, खरीद हुई नहीं, बिचौलियों से पूरी खरीद की, फिर धान में लुटवाया, अब आलू की कीमत नहीं दे पा रहे, पानी समय पे नहीं दिए, इतनी बिजली महंगी तो पूरे किसानों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में अब इटावा से सांसद रामशंकर कटेरिया ने शिवपाल की बात का पलटवार करते हुए बताया कि चाहे गेहूं की खरीद हो, आलू की खरीद हो या धान की खरीद हो, बड़ी मात्रा में किसानों की फसलों को खरीदने का काम किया जा रहा है। जो बिचौलिया किसानों का उत्पीड़न करते थे, उससे मुक्ति दिलाने का काम भी यूपी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने चाहे गेहूं की खरीद हो, चाहे आलू की खरीद हो, चाहे धान की खरीद हो, बड़ी मात्रा में किसानों की फसलों को खरीदने का काम किया। जो बिचौलिया किसानों का उत्पीड़न करते थे, उससे एक तरह से मुक्ति दिलाने का काम भी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। रामशंकर कठेरिया ने योगी सरकार की प्रशंसा करते हुए बताया कि अभी यूपी नंबर 1 पर है और मुझे लगता है आगे पूरे देश में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में साबित होगा। अभी नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, आगे मुझे लगता है कि पूरे देश में एक उत्तम प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमारी सेवा की जो भावना है, नियत है, वो साफ नियत के आधार पर, मेहनत के आधार पर उत्तर प्रदेश का निश्चित रूप से डेवलपमेंट होगा। और हमारे जनपद में भी जो कई अधूरे काम पड़े थे, सपा सरकार ने नहीं करवा पाए थे, उन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह हम लोग संकल्पबद्ध हैं। कठेरिया ने बताया कि जहां सपा की सरकार में 500 रुपए पेंशन मिलती थी, वहीं योगी की सरकार ने उसे डबल करने का काम किया है। पूरे अपने इटावा में जो सपा की सरकार में जहां 500 रुपए पेंशन मिलती थी, उसको डबल बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने बताया कि योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल है, जिसका 1 वर्ष पूरा हुआ है। इस 1 वर्ष में यूपी में सुशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था और डेवलपमेंट में 1 साल में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं। ये योगी सरकार 2, जिसका 1 वर्ष पूरा हुआ है, इस 1 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में अभी विस्तृत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया है। उत्तर प्रदेश में सुशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो डेवलपमेंट है, उस दिशा में भी 1 साल में महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है। हम चाहे किसानों की बात हो,
चाहे हाईवे की बात हो, चाहे किसान से संबंधित और किसी तरह की समस्या हो, चाहे सड़कों की बात हो, इन सबके डेवलपमेंट की दिशा में एक साल में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमें जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश को मिली हैं, वहीं हमारे इटावा जनपद में भी कई प्रकार की उपलब्धियां इटावा जनपद को इस एक साल में उपलब्ध हुई हैं। इसी के साथ ही पूरे यूपी में डेवलपमेंट के बारे में सांसद जी ने क्या कुछ बताया, सुनिए जरा। इसी के साथ साथ जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जनपद में जहां एक मेडिकल कॉलेज का जो भारत सरकार का लक्ष्य है, उस उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको लगभग पूरा किया है। 3-4 जिले बचे हैं। हर कमिश्नरी पर, हर मंडल पर जहां विश्वविद्यालय नहीं थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस मंडल, हर एक मंडल पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का क्रम सुनिश्चित किया है। जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में 1-2 एयरपोर्ट थे, आज 17 एयरपोर्ट तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। वहीं हम जहां सड़कों की बात करें, एक्सप्रेस वे की बात करें, तो हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चाहे पूर्वांचल का एक्सप्रेस वे हो, चाहे बुंदेलखंड का एक्सप्रेस वे हो, चाहे अभी अटल एक्सप्रेस वे हो और चाहे गंगा एक्सप्रेस वे हो, ये पूरा उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट की दिशा में एक्सप्रेस वे का एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ विकसित हो रहा है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल पूरे होने के बाद इस कार्यकाल में योगी सरकार और क्या क्या नया लेकर आती है, जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सहायता करेगा।